हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए, आज हम एक मिठाई बनाने जा रहे हैं, जिसे हम बनाएंगे रस, दूध, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, चीनी से। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। इसमें हम आधा लीटर दूध है ये, इसकी हमें रबड़ी जैसे बनाना है, इसको गाढ़ा करना है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे। अब हमें इस दूध को उबालना है। फ्रेंड्स, जब तक हमारे इस दूध में उबाल आता है, तब तक हम दूसरे पैन में चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए गैस पर रखेंगे। इसमें हम एक कटोरी चीनी डालेंगे। और फिर इसमें हम आधा कप पानी डालकर इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी में उबाल आने शुरू हो गए हैं। हमें इसे ज्यादा थिक नहीं रखना है, हमें सिर्फ एक तार की चाशनी के आसपास ही इसको बनाना है। तब तक हमारे देखिए ये दूध में भी बॉयल आ रहे हैं। दूध को हमें सिम पे करके नहीं छोड़ना है, इसे हम तेज आंच में ही लगातार हिलाकर पका सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इधर हमारा दूध देखिए, हमारे दूध में भी काफी अच्छे से बॉयल आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारी रबड़ी को बनने में टाइम लगेगा। हमारी रबड़ी को बनने में अभी और टाइम लगेगा। इस रबड़ी को बनने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तब तक हमारी चाशनी देखिए तैयार हो चुकी है। अब हम इस गरम चाशनी में अपने रस डिप करेंगे। फ्रेंड्स, ये रस हमें गरम चाशनी में ही डिप करने, जिससे कि ये अपनी चाशनी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें। ये देखिए, अब जब तक हमारे रस चाशनी में डिप हो रहे हैं, हम अपनी रबड़ी को बना लेते हैं। देखिए, अब हमारी रबड़ी बस बनने ही वाली है। तब तक हमने जो रस अपने डिप किए थे, चाशनी में जो रस डिप किए थे, हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे रस एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं। ऐसे ही आप इन्हें बाकी बर्तन में निकाल के रख सकते हैं। मैं इनको बाकी को हाफ पीस में करके तब एक प्लेट में निकालूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही
चाशनी में डिप कर करके मैंने अपने सारे रस निकाल के इस प्लेट में लगा लिया है। फ्रेंड्स अब हम अपनी रबड़ी में भी इलायची पाउडर और 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, जिससे कि खाते समय हमें रबड़ी में मिठास की कमी महसूस ना हो। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है रबड़ी, जिसे हमें इन रस के ऊपर सर्व करना है। लेकिन उससे पहले हमें इस रबड़ी को रूम टेम्परेचर पर लाना है, इसलिए आप इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी रबड़ी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, अब हम इसको मिक्स करके अपनी प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले रस रखे हैं, उसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे। फिर हम इस पर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये मैं काजू डाल रही हूँ ग्रेट किए हुए, थोड़ा सा बादाम और ये किशमिश। ये देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।